गोदी मीडिया पर बुरी तरह भड़के तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बार बार आपका रिपोर्टर पिटाया तो वीडियो हमको लगता है रिलीज कर देना चाहिए और आपके न्यूज को चलाना चाहिए। नीतीश कुमार के गुंडे चलाइएगा, है हिम्मत औकात है न्यूज एटीन की, अपने रिपोर्टर का पिटाते हुए दिखा दे। न्यूज एटीन इंडिया को सबके सामने किया बेनकाब। न्यूज एटीन चैनल तो हम लोगों को अक्टूबर से इलेक्शन है से इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, राजनीति कैसी होती है, हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि न्यूज एटीन जो चैनल है वो कम से कम एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन खोल ले, वहां कैसे लालू जी को विपक्ष के लोगों को कैसे राजनीति होती है वो सिखाया जाए। मनुवादी मीडिया के खिलाफ तेजस्वी का हल्ला बोल। कभी कभी नीतीश कुमार जी को भी बौखला जाते तो सिखाइए अपने इंस्टीट्यूट में बुला करके, सरकार के मंत्रियों को बुलाए कि भैया भाई को नहीं भेजते हैं किसी उद्घाटन में, बेटे को नहीं जांच के लिए भेजते हैं, थोड़ा जदयू और भाजपा के लोगों को भी बुला के सिखाइए अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में। हम लोगों का तो अक्टूबर से मुख्यमंत्री कह रहे हैं बार बार आपका रिपोर्टर पिटाया तो वीडियो हमको लगता है रिलीज कर देना चाहिए। तेजस्वी यादव गुस्से में हैं। ये गुस्सा उस गोदी मीडिया के खिलाफ है जो सच को सच कहने से डरता है। ये नाराजगी उस मनुवादी मीडिया के खिलाफ है जो झूठ को सच बताकर पेश करता है, जो मीडिया रात दिन सत्ताधारियों के तलवे चाटता है और पत्रकारिता को घटियापन के सबसे निचले स्तर पर ले जाने के लिए आपस में कॉम्पिटिशन करता है। उसी दलाल मीडिया का एक पत्रकार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथे चढ़ गया। न्यूज 18 बिहार के पत्रकार को तेजस्वी यादव ने भरी सभा में बेनकाब कर दिया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बार बार आपका रिपोर्टर पिटाया तो वीडियो हमको लगता है रिलीज कर देना चाहिए और आपके न्यूज को चलाना चाहिए। नीतीश कुमार के गुंडे चलाइएगा, है हिम्मत औकात है न्यूज 18 की, अपने रिपोर्टर का पिटाते हुए दिखा दे। दरअसल पिछले दिनों बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों को पुलिस से पिटवाया गया था। उस घटना को कवर कर रहे कई पत्रकारों को भी पुलिस ने बुरी तरह पीटा, लेकिन सरकारी भोपू का काम करने वाली गोदी मीडिया ने अपने पत्रकारों की पिटाई पर ही चुप्पी साध ली। नीतीश कुमार से सवाल पूछना तो दूर, उल्टे विपक्ष के खिलाफ ही गोदी मीडिया ने एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। इन्हीं सब वजहों से तेजस्वी का पारा चढ़ गया। कैसे लड़ा जाता है, राजनीति कैसी होती है, हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि न्यूज 18 जो चैनल है वो कम से कम एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन खोल ले, वहां कैसे लालू जी को विपक्ष के लोगों को कैसे राजनीति होती है वो सिखाया जाए। कभी कभी नीतीश कुमार जी को भी बौखला जाते तो सिखाइए अपने इंस्टीट्यूट में बुला करके, सरकार के मंत्रियों को बुलाए कि भैया भाई को नहीं भेजते हैं किसी उद्घाटन में, बेटे को नहीं जांच के लिए भेजते हैं, थोड़ा जदयू और भाजपा के लोगों को भी बुला के सिखाइए अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में। हम लोगों का तो अक्टूबर से आप लोग ट्रेनिंग। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने भी न्यूज 18 बिहार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्विटर पर आरजेडी ने इस बारे में लिखा, दरअसल इस दलाल चैनल और इसके संपादक को ये हजम नहीं हो रहा कि दशकों बाद भी पक्ष विपक्ष में रहने के बाद भी राजद प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कैसे है। भारतीय मीडिया अपनी साख को बुरी तरह खो चुका है। अब तो सरेआम मीडिया के खिलाफ आम लोग गोदी मीडिया मुर्दाबाद किनारे लगाने लगे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब ऐसे पत्रकारों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।